मैं कीर्ति परोहा 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम समझेंगे, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था जल अवशोषण की क्रिया, और उसी के अंतर्गत अब हम समझने जा रहे हैं रसारोहण। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। रसारोहण पहले किसे कहते हैं? तो रसारोहण जो है एसेंट ऑफ सैप, जाइलम द्वारा संपन्न होने वाली वह क्रिया जिसमें जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को जाइलम वाहिनियों तथा वाहिकाओं के माध्यम से ऊंचाई तक पौधों के विभिन्न भागों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध पहुंचाया जाता है, रसारोहण कहलाता है। रसारोहण, अभी हम जल नहीं बोल रहे, रसारोहण में क्या हो जाएगा? रसारोहण मतलब जल और खनिज, इसका जो प्लस है ये बन जाएगा सैप या रसा बनेगा उसका। तो ये जो रसारोहण है इसमें जल एवं खनिजों को किसके माध्यम से? जाइलम वाहिनियों तथा जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुंचाते हैं? नीचे तल से ऊपरी ऊंचाई तक पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, उनको उनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध। अब ये बात और ध्यान देना है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति मतलब आप सबको अच्छे से मालूम है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, कि पृथ्वी क्या करती है। न्यूटन ने ये नियम ढूंढा था कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो वो ऊपर ना जा करके कहाँ आती है? नीचे आती है। तो ये कौन सा बल काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो भी वस्तु ऊपर है वो नीचे आएगी, लेकिन इसके विरुद्ध हमको ले जाना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध काम होता है, उसको रसारोहण की क्रिया कहते हैं। सपोज ये एक प्लांट है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, और ये इसके रूट्स हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है। और यहाँ पर ये मूल रोमों द्वारा क्या होता है, क्या ग्रहण करता है? जल और खनिज लवण। जल प्लस जो खनिज लवण है इसको जो है इसको कहा जाता है सैप या रस कहा जाता है। इसको जाइलम वाहिनियों और वाहिकाओं के माध्यम से ऊंचाई तक पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाने की क्रिया है वो रसारोहण की क्रिया कहलाती है। अब रसारोहण के सिद्धांत में कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य मत था वो था डिक्सन एवं जॉली का सिद्धांत। अब डिक्सन एवं जॉली ने क्या बताया? रसारोहण से संबंधित डिक्सन एवं जॉली के सिद्धांत को जल संसंजन एवं वाष्पोत्सर्जी खिंचाव का वाद भी कहते हैं। जल संसंजन अर्थात जल के अणुओं का आपस में मिलके एक्सचेंज जैसे बना लो, यहाँ पे ये जल के अणु आपस में मिल करके आसंजित हो जाते हैं, इसको कहते हैं संसंजन, और वाष्पोत्सर्जी खिंचाववाद भी कहते हैं। इसके अनुसार तेजी से वाष्पोत्सर्जन करने वाली पत्तियों की कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता बढ़ जाती है, इसलिए जल की पूर्ति के लिए पत्ती के जाइलम पर दबाव पड़ता है। चूंकि पत्ती का जाइलम, तने का जाइलम तथा जड़ का जाइलम सभी परस्पर जुड़े रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ें जल का अवशोषण करने लगती हैं। बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना, सिंपल सा हमको यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो पानी तेजी से क्या होगा? पौधे से वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। जब यहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण निकलेगा तो जो पत्तियों में जो जाइलम टिश्यू अवेलेबल है वो, साथ में तने के जो जाइलम टिश्यू है वो, और साथ में जो जड़ों में काम करने वाला संवहन ऊतक तंत्र अर्थात जाइलम टिश्यू है वो, ये तीनों आपस में कैसे रखते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। और इनमें क्या होता है? एक प्रकार का दबाव पड़ता है कि पानी खींच रहा है, तो उस पानी के खिंचाव की पूर्ति करने हेतु तो जड़ें जो होती हैं वो जड़ का अवशोषण, सॉरी जल का अवशोषण करने लगती हैं। जल के अणुओं का परस्पर आकर्षण बल तथा जाइलम वाहिनियां व जल का आसंजी बल जो मिलकर के एक भारी खिंचाव उत्पन्न करते हैं, जो आसानी से 100 वायुमंडली दाब का होता है, इसे ही वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। इसके कारण ही जल एक ठोस लगातार स्तंभ के रूप में जड़ से पत्तियों तक खिंचा चला जाता है। अनुमानतः 10 से 30 वायुमंडली दाब का बल ऊंचे वृक्षों में रसारोहण हेतु पर्याप्त होता है। यही कारण है कि डिक्सन एवं जाली का यह वाद सर्वाधिक मान्य है। अब डिक्सन जाली ने पहले तो यही बताया कि जल के संसंजक अणुओं का काम
दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो यहाँ पर भी हम देखें बच्चों, तो जाइलम यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के क्या कारण क्या हो रहा है, जल जो है वो वाष्प बन के एवेपोरेट यानी बाहर निकलता जा रहा है। उस समय पत्तियां, तने और जड़ का जो जाइलम टिश्यू है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसके कारण यहाँ पर एक खिंचाव, एक प्रेशर, दबाव उत्पन्न होता है जो वायुमंडली दाब का होता है, जिसके कारण क्या होता है, जड़ें जो हैं वो जल का अवशोषण करने लगती हैं। और ये एक प्रकार से एक एक पंप, जैसे कि हम अपने घरों पर क्या लगाते हैं, पानी खींचने वाली वाटर पंप लगा रहता है ना, जो क्या करता है, एक सक्शन उत्पन्न करता है। उस सक्शन के कारण ही जो पानी है वो नीचे की बिल्डिंग से कहाँ चला जाता है, ऊपर की बिल्डिंग तक स्टोर हो जाता है। ठीक ऐसा ही दबाव इसमें यहाँ पर उत्पन्न होता है और वो पानी का एक प्रकार का एक पंप बन जाता है, जो कि जड़ से लेकर के पौधे के ऊपरी हिस्से अर्थात पत्तियों तक, ऊपरी शिखर तक पानी को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाता है। अब उनने क्या बताया कि जो बड़े पौधे हैं, जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पौधे हैं, उनमें भी इसी के कारण क्या होता है, जल पहुंच पाता है ऊपर लेवल तक। तो ये है डिक्सन और जाली का सिद्धांत। तो बच्चों ये था जल अवशोषण की क्रिया विधि, और रसारोहण किस प्रकार होता है उसके लिए डिक्सन और जाली का जो सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पौधे के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक